तो जैसा कि आप लोगों ने पहला प्रॉब्लम पढ़ा, तो लेट्स सी उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, हम लोगों को प्रॉब्लम में ऐसा गिवन था, प्रॉब्लम वन, ओके। प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके से डेटा गिवन था कि एक मेटल सीट से जो कि चार्ज है सिग्मा से, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कुछ ई वेलोसिटी से, जो कि इलेक्ट्रॉन ई कॉम एम इज द चार्ज एंड एम इज द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, तो ई एम से किसी पॉइंट ए से वो किसी यू वेलोसिटी से फेंका जाता है ताकि वो किसी पॉइंट बी पे जाके गिरे तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस ए बी। ठीक है, हम लोग से इस ए बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। तो पहले बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्यों इसको प्रोजेक्टाइल ही बनाया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप अगर इसको यू को अब फेंक देंगे, ठीक है, आपने जस्ट ऊपर फेंक दिया तो कहां गए, ये तो यहीं गिर गया ना। ये नहीं करना हम लोग को ना, हम लोग को तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए एटलीस्ट किसी एंगल से ऐसे फेंकना पड़ेगा ताकि किसी दूर जाए कहीं गिरे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लेट से किसी थीटा एंगल में फेंक दिया। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल में फेंकते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट रेंज। क्या आपने ये टर्म पढ़ा है, रेंज? अगर आपने रेंज टर्म पढ़ा है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर क्या ये रेंज ही था, क्या ए बी जो हमसे पूछा गया था क्या वो रेंज था? हाँ, वो रेंज ही था, क्योंकि यहां से चार्ज पार्टिकल फेंका गया और फिर वो जाके उड़ते 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 जाके किसी पॉइंट बी पे गिरा जो कि उसी मेटल प्लेट पर था। ठीक है, तो ऐसा समझे कि किसी बॉल को यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल फेंका गया और वो बॉल फिर से जाके ग्राउंड पे कहीं टच की, तो पूछा गया हमसे व्हाट विल बी दैट मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट विल बी दैट मैक्सिमम रेंज। तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या हम साइन टू थीटा की, देखिए यहां पर सिर्फ एक थीटा ही वेरिएबल है, U given है हमको G, यहां पर G था, यहां पर क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, बोला था कि हमें क्या करना है कि ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है, तो इस G की जगह हम लोग को वो एक्सेलरेशन रखना है जो कि इसकी इस मेटल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे लग रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उस चार्ज पार्टिकल पर इस मेटल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी वजह से जो उसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसकी वजह से ये ए बी डिस्टेंस कवर किया होगा इसने। ओके, तो अभी देखिए क्या वो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्या हमको एफ बराबर एम ए आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ क्या है यहाँ पे, दैट इज क्यू ई। ओके, और यहाँ पे ई क्या है, ई क्या है, क्या किसी मेटल प्लेट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होती है? अगर इनफाइनाइट मेटल सीट है, और ऐसा हम लोग को नहीं गिवन है कि फाइनाइट है, देन वी विल टेक इट अ इनफाइनाइट मेटल सीट। ठीक है, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, देन क्यू इज व्हाट, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को एम ए के बराबर रख देंगे, देन दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हमको पता लगे कि ए की वैल्यू क्या आने वाली है? तो ए की वैल्यू अगर पता लगे तो इस जी की जगह रख देंगे और साइन टू थीटा को मैक्सिमम साइन थीटा कितना हो सकता है, दैट विल बी वन। ठीक है, तो अगर ये वन हो सकता है तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर बाई जी, या फिर बोले यू स्क्वायर बाई दैट ए विच वी हैव कैलकुलेटेड, दैट यहां पर आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन फ्लैश हो रहा होगा, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। स्फीयर में, एक स्फीयर में हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो कुछ इस प्रकार से वैरी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैं आपको बता दूं, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ इस प्रकार से वैरी कर रही है। तो अगर पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस स्फीयर के रेडियस जो कि कैपिटल आर है उसका एक्सप्रेशन लिखना इन टर्म्स ऑफ दिस नोन टर्म्स। ठीक है, नोन टर्म्स में जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है आर का। ठीक है भाई, तो ये समझ आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जहां पर हमको ये ऐसे वेरी कर रहा हो, जहां पर ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई हो, उस प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल चार्ज मानते हैं। ठीक है, वो डिफरेंशियल चार्ज कहां से आएगा, इस स्फीयर के डिफरेंशियल मास से। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल एलिमेंट से। तो उस डिफरेंशियल एलिमेंट को देखिए कैसे कंसीडर किया जाता है, कि हम देखें कि भाई हाँ किसी आर की दूरी पर
एक छोटा सा डी आर का, छोटा सा डी आर का, डी आर विड्थ का एक स्फीयर कंसिडर किया, ठीक है। अगर उसका स्फीयर कंसिडर किया तो क्या हम लोग को इस स्फीयर का एरिया पता है? जी हाँ पता है, 4πr², ठीक है, 4πr² एरिया होता है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस स्मॉलर है तो 4πr². अभी अगर एरिया को वॉल्यूम बनाना है तो एरिया इनटू द हाइट तो वॉल्यूम बन जाता है ना, देन दिस dr, दिस थिकनेस dr को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये dv, ये dv इस डिफरेंशियल वाले एलिमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? अगर इस डिफरेंशियल वाले एलिमेंट का वॉल्यूम आ चुका हमारे पास तो अब जरूरत किस चीज की है? रो आर से इसको कनेक्ट करने की। तो रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये होता है क्या? चार्ज पॉइंट वॉल्यूम। मैंने दिया, बोला ना आपको क्या दिया है, दिस इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो क्या डी क्यू को रो आर डी वी लिख सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर रो आर इज ए बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए एंड दिस 4πr² dr, क्या ये dq का एक्सप्रेशन आ गया? क्या ये dq का एक्सप्रेशन है? अगर ये dq का एक्सप्रेशन है तो बाकी सब कुछ मिटा के हम लोग सिर्फ dq पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं इस सब को मिटा देता हूं। देखिए अब इस dq को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 टू कैपिटल q dq और रेडियस को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 टू r, ठीक है। देन a बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए 4πr² dr, ओके। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो q 0 टू q इज इक्वल्स टू a ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए dr, ठीक है। तो अगर ये हमारा इतना आ चुका है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है, क्या हमको इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है, बहुत आसान होता है सर ये तो। ये किसको नहीं आता है? ये तो सबको आता है, ठीक है। 4πr भी था यहाँ पे, 4πr को नहीं भूलना है, 4πr, ओके। अगर इतना आ चुका है तो क्या यहां से हम q की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कैपिटल a स्मॉल a 2πr e टू द पावर माइनस टू आर बाई ए माइनस बाहर 0 टू r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ ये कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देन कैपिटल q इज इक्वल्स टू माइनस a स्मॉल a 2πr e टू द पावर माइनस टू कैपिटल r बाई ए माइनस 1 लिख सकते हैं। जी हाँ ये भी बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है देन क्या कैपिटल q बाई कैपिटल ए स्मॉल ए ओवर 2πr इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू आर बाई स्मॉल ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या इसको इधर लाकर ई टू द पावर माइनस टू आर बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस q ओवर कैपिटल ए स्मॉल ए 2πr लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ अभी एनएल ले लेते हैं तो क्या आपको आंसर साफ दिख रहा है? हाँ किसी किसी को दिख रहा है और किसी किसी को नहीं भी दिख रहा है, तो वो सबको दिखाया जाए, ठीक है। तो वो सबको दिखाते हैं हम लोग, देखिए ऊपर वाली चीज मिटा देते हैं, ठीक है। तो वो दिखा दिया जाए तो माइनस टू आर बाई ए इज इक्वल्स टू एल एन 1 माइनस कैपिटल क्यू कैपिटल ए स्मॉल ए 2πr देन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बाई टू एल एन 1 बाई 1 माइनस क्यू ओवर कैपिटल ए स्मॉल ए 2πr। ये माइनस इधर गया, ये माइनस की पावर में गया, ये और उल्टा हो गया, इनवर्स हो गया इसका, ठीक है। तो यहां पर कोई हाई फाई चीज नहीं की गई है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि एक तीन स्फेरिकल सेल्स हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं और कैपिटल चार्ज क्यू कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है सच दैट कि यहां पर जो सरफेस एरिया है, यहां पर जो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यहां पर जो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है और जो तीसरे वाले पर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है वो बराबर है, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है? तो हमने मान लिया कुछ Q1 इसको दे दिया, कुछ Q2 इसको दे दिया और कुछ Q3 इसको दे दिया। तो अगर ऐसा है देन क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन 4πa² इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4πb² इज इक्वल टू Q3 अपॉन 4πc² क्या ये हमको गिवन है? जी हाँ ये हमको गिवन है,
क्या हम इसको किसी कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर ये सब बराबर है तो लेट्स से किसी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है ओके। अगर ये बात समझ आ गई, अगर ये बात समझ आ गई है देन Q1 इज इक्वल्स टू 4 पाई के ए स्क्वायर, Q2 इज इक्वल्स टू इन द सेम वे अगर 4 पाई के को कुछ पी मान लेते हैं देन PV स्क्वायर एंड Q3 इज PC स्क्वायर, ठीक है ये बात भी समझ आ गई। अगर ये बात भी समझ आ गई तो ये बात भी समझ आती होगी कि Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to capital Q according to the question, according to the question है कि नहीं? क्या क्वेश्चन यही गिवन था कि किसी कैपिटल चार्ज को इस प्रकार से बांटें, इस प्रकार से तीन स्फेरिकल सर्फेस से बांटें सच दैट उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए कुछ ऐसे बांटो, मैंने जाना पॉइंट के जैसे बोला आपको समझ आया ना, ठीक है कुछ ऐसे बांटो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, ठीक है तो क्या इसका एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं? अगर इससे एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं तो क्या P of A square plus B square plus C square is equal to capital Q है, तो क्या यहां से P की वैल्यू capital Q upon A square plus B square plus C square लिख सकते हैं? क्या आप हमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू P के और A, B, C के फॉर्म में मिल गई है? जी हाँ बिल्कुल मिल गई, तो फटाफट से उसकी वैल्यू वहां पर लिख लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा Q1 is P times of कैपिटल Q ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैपिटल Q इसी तरीके से और Q3 इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी देखिए पूछा गया था व्हाट विल बी द पोटेंशियल हियर, कि A से पहले किसी डिस्टेंस पे किसी R की दूरी पर जो कि A से कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? अभी यहाँ आती पोटेंशियल वाले थ्योरी की, पोटेंशियल थ्योरी हम लोग को होनी चाहिए क्लियर। अभी देखिए पोटेंशियल की थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी स्फेरिकल सेल में, ये हमारा कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है और इस पे क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है तो इनर किसी भी पॉइंट पर, इनर किसी भी पॉइंट पर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन उस पर जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा उसके पोटेंशियल एट द सर्फेस और उसको दिया जाता है के क्यू बाई आर से वेयर के इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर इसकी दूरी, वहीं अगर ये पॉइंट उसकी रेडियस से बाहर हो तो वो पोटेंशियल दिया जाएगा के क्यू बाई आर से, ठीक है दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर और ये कहीं बाहर है अंदर किसी भी पॉइंट पर और इस स्फीयर के सरफेस पर हमें पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही मिलने वाला है। ये बात होनी चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर, अगर ये बात आपको क्लियर है तो आपको समझ आ रहा होगा क्या ये पॉइंट पहले वाले के अंदर है? बिल्कुल अंदर है। क्या ये पॉइंट दूसरे वाले के अंदर है? अरे सर ये दूसरे वाले के भी अंदर है। क्या ये तीसरे वाले के भी अंदर है? अरे पहले दूसरे के अंदर हो तो तीसरे के अंदर तो होएगा ही भाई, क्योंकि कंसेंट्रिक है और ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारी एक वैल्यू सबसे कम है, ठीक है तो अगर वो पॉइंट सबसे कम वाले के अंदर है तो बाकी सबसे अंदर तो होगा ही होगा, ठीक है तो क्या हम इसके अंदर का पोटेंशियल लिख सकते हैं KQ by R? KQ1 by R plus KQ2 by R plus KQ3 by R, ठीक है इस तरीके से अगर लिख सकते हैं then this K, सॉरी R नहीं, R नहीं, R क्यों नहीं, क्योंकि अंदर तो हम लोगों को वही मिलता है जो कि उसकी सरफेस पे होता है जो KQ1 by A, KQ2 by B plus KQ2 by KQ3 by C, ठीक है तो K बाहर निकाल लेते हैं। Q1 की वैल्यू कैपिटल Q A स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है और A से A कट गया तो क्या Q A A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये आ रहा है तो क्या दूसरे वाले में Q B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा? तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइनल आंसर लिख सकते हैं इसी सीरीज को देखते हुए? तो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है कुछ ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A प्लस B प्लस C अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, isn't it?